हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा अटस्टैट से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और दोस्तों आपको बताऊंगा कि अटस्टैट का फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 का नया नोटिफिकेशन देखिएगा कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित होने से पहले परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए दिनांक 2 मार्च और 3 मार्च तक राज्य के सभी 22 जिलों में यह प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्य से संबंधित परीक्षार्थी अपने साथ लगते जिलों में जाकर, यानी जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, अपने यदि किसी आसपास जो जिला लगता है वहाँ पर जाकर पूर्ण करा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में परीक्षार्थी 22 जिलों में से स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण करा सकता है। जिलों में बनाए गए केंद्रों में सूची व जिन परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है उनकी सूची बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। केवल सूची में दिए गए अनुक्रमांक वाले परीक्षार्थियों द्वारा ही यह प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इन परीक्षार्थियों को इनके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भी इस प्रकार का संदेश भेजा गया है। दी गई सूचना में जो परीक्षार्थी इन तिथियों में से पूर्ण रूप नहीं करते हैं, यानी बायोमेट्रिक नहीं करते हैं, उनका परिणाम घोषित नहीं होगा। दोस्तों, कुछ कैंडिडेटों की बायोमेट्रिक मशीन पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है केवल उन्हीं की दोस्तों लिस्ट जारी की है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने अटस्टैट का एग्ज़ाम दिया था तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हमने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप अपना रोल नंबर या नाम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पेज ये 320 पेजों की बहुत बड़ी लिस्ट जारी की है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि किसी आपके मित्र साथी रिश्तेदार ने अटस्टैट का एग्ज़ाम दिया है उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिएगा। अगर वह बायोमेट्रिक मशीन करवाने नहीं जाता है तो उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। टोटल कैंडिडेट दोस्तों 2336 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी बायोमेट्रिक मशीन नहीं हो पाई थी एग्ज़ाम के दौरान। तो दोस्तों, एक मौका और दिया है बोर्ड ने। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए जिलावार स्थापित किए गए केंद्र। यदि किसी की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है और लिस्ट में उसका नाम है तो इन सेंटरों में, किसी भी सेंटर में जाकर, हरियाणा के किसी भी सेंटर में जाकर वेरिफिकेशन करवा सकता है। ये देखिए दोस्तों, अम्बाड़ा में आप देख सकते हैं स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, हिसार में जाट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और चरखी दादरी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चरखी दादरी, मेवात, नू में हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और भी सभी दोस्तों 22 जिलों में है। और दोस्तों, इसका रिजल्ट दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है 2 मार्च और 3 मार्च को ही होगी। 2 मार्च और 3 मार्च को ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी, उसके बाद वेरिफिकेशन बंद हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है दोस्तों 5 मार्च से लेकर 7 मार्च तक, यानी 5 मार्च को भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं और 7 मार्च को भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन हमने सबसे पहले आपको अवगत कराई है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अंगूठे का और इस लिस्ट, तो दोस्तों 22 जिलों में से 2 मार्च और 3 मार्च को किसी भी ज़िले में किसी भी सेंटर में जाकर अपनी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं अगर आपकी नहीं हो पाई है लिस्ट में अगर नाम है तो। और दोस्तों, रिजल्ट किया जाएगा 5 या 7 मार्च के आसपास कभी भी जारी कर सकता है बोर्ड। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।